नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है, पर पहले दो टेस्ट मैचों से वो बाहर हो चुके हैं, पूरी तरह से फिट नहीं कहा गया है। बीसीसीआई की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी होता है। वहीं रोहित शर्मा दूसरी तरफ इंटरव्यू में बयान देते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, पर कंडीशनिंग के लिए आराम करना चाहते हैं ताकि पूरी तरह से रिकवर हो सके। ये आराम इसलिए लेना चाहते हैं कि ताकि हैमस्ट्रिंग से उबरने में कोई कमी ना रह जाए। रोहित शर्मा चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा हो और खेले भी। उधर हेड कोच रवि शास्त्री का बयान आता है कि अगले 3-4 दिनों में अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना नहीं होते हैं तो फिर पहले टेस्ट मुकाबले में हिस्सा लेना मुश्किल होगा। इसके बाद रोहित के पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर होने की खबर भी आ गई, जबकि मीडिया में ये बात तैर रही है कि रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शायद नहीं जा पाए। अजीब बात यह है कि रोहित शर्मा फिट होकर आईपीएल के 3 मैच भी खेल गए, और वो अगर फिट नहीं थे तो फिर खेले कैसे? कन्फ्यूजन काफी है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर रोहित शर्मा और बीसीसीआई के बीच क्या बातचीत हो रही है या फिर अंदर ही अंदर कोई विवाद है, पर इतना तो तय है कि दोनों पाले में से कोई एक पाला तो खुश नहीं है। विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस इंडिया लौट आएंगे और कप्तानी अजिंक्य रहाणे बाकी के 3 टेस्ट मैचों में संभालेंगे। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर में बेहतर रहा है। खुद को आराम देने के लिए ही उन्होंने वनडे और T20 सीरीज से किनारा कर लिया। ऐसे में अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल नहीं करते हैं तो उनके टेस्ट क्रिकेट भविष्य का क्या होगा? इससे पहले रोहित शर्मा चोट की वजह से न्यूजीलैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। बाद में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट में ओपनिंग की थी। पता हर किसी को है कि उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का क्या हश्र किया था। रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा मिस करते हैं तो कहना मुश्किल होगा कि बीसीसीआई आगे टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के साथ जाए, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए फिटनेस होना चाहिए। और सवाल यही उठता है कि रोहित शर्मा कि क्या अगले 2-3 सालों तक तीनों फॉर्मेट में खेल पाएंगे। खैर, आने वाले समय में ये बात का पता तो चल ही जाएगा, पर इतना तो तय है कि रोहित शर्मा के ना रहने से फायदा तो ऑस्ट्रेलिया को होगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।